फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू, ठीक है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, मतलब जो मोशन हो रहा है ठीक है, वो कितना फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो, ठीक है, और नीचे क्या होगा, मास, मास होगा ना, एफ इक्वल टू ए इक्वल टू एफ अपॉन एम हो गया ना, ठीक हाँ या पानी हम है। हाँ तो वही हम लिख रहे हैं, बस अपने थोड़ा सा यही अप्लाई करेंगे तो हमें बहुत आसानी रहता है। तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, और यहाँ पे नीचे मास क्या है, मास इन मोशन, वही मास आप काउंट करेंगे जो मोशन में होगा, जो रेस्ट में रह जाएगा ना उसको नहीं काउंट करेंगे, मास इन मोशन, ठीक है। ये एक तरह से ये पूरे आगे वाले चीजों को मतलब सॉल्व करने के लिए एक समझ लिए की पॉइंट है, अगर इससे करते हैं तो आपका मोस्टली क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। ये मतलब इसको अप्लाई करना अभी हम बताएंगे। तो यहाँ पे फ्री डायरेक्ट बॉडी डायग्राम बनाना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में स्टेप कई स्टेप होता है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है हमें, स्टेप फर्स्ट में कि हम लोग अप्लाई अप्लाइंग फोर्स ऑन द एप्रोप्रिएट सिस्टम, क्रिएट सिस्टम, ठीक है। यानी कि जैसा मतलब फोर्स रहेगा, जैसे मान लीजिए तो हम लोग इधर फोर्स लग रहा है, इधर अप्लाई कर, इधर लग रहा है, इधर अप्लाई कर दिए, मतलब एप्रोप्रिएट जो हमारे पास होगा। और कंसीडर क्या करना है स्टेप टू में, स्टेप टू में मतलब कंसीडर टू टू एप्रोप्रिएट क्रिएट म्यूचुअली। अब देखिए ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग मतलब क्या है कि प्रैक्टिस पे ही होता है ये, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है एक्सिस एंड रिजॉल्व फोर्स अलोंग दीज एक्सिस, एक तो ये हो गया। इसके बाद तीसरा स्टेप, तीसरा पॉइंट, आप तीसरी टाइम क्या करेंगे, यानी इसमें फ्रेम, एक इक्वेशन बनाएंगे, फ्रेम इक्वेशन अलोंग बोथ एक्सिस, बोथ एक्सिस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा ठीक है, एज फॉलोज। जैसे पहला, अब इसमें किस तरह का रिक्वायरमेंट ज्यादा आता है, फर्स्ट ऐसा तो आता है इसमें अगर देखा जाए, एक सिस्टम इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, ये जो हमारे पास होगा इक्वल टू जीरो होगा, होगा कि नहीं, अलोंग सिस्टम एक्सिस देन अप्लाई
अब अगर ए 0 हो गया तो एफ क्या होगा, 0 हो जाएगा, एफ भी एफ जीरो नेट हो क्या होगा जब, जाएगा। हाँ तो एफ नेट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो रहा, मतलब जीरो। उसी के अलांग अलोंग दैट एक्सिस दूसरा पॉइंट, इफ सिस्टम इज मूविंग, अगर सिस्टम विद ए एक्सेलरेशन के साथ, कह सकते हैं क्या अप्लाई करें, ऊपर जो मैंने फार्मूला भी बताया वही अप्लाई करेंगे, यानी कि एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एफ जीरो नेट क्या हो जाएगा इक्वल टू एम ए, एफ एम एम जीरो। एम ए एफ नेट इक्वल टू एम ए आगे। अब देखा यही हमें अप्लाई करना रहेगा फ्री बॉडी डायग्राम में, तो यही अप्लाई करते हैं ना। हाँ अब देखा जाए फ्री बॉडी डायग्राम बहुत सारे हम लोग बना सकते हैं, एक देखे इसमें और भी चीज होता है, दूसरा टेंशन, टेंशन होता है सर। हाँ टेंशन से क्वेश्चन। टेंशन बार बार यूज किया टेंशन। अब टेंशन को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, तो हाँ ये क्या होता है, यानी कि कह सकते हैं इट इज टाइप ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, एक टाइप का रिएक्शन है, फोर्स है विद इन, यानी कि विच विल जेनरेट ऑन अप्लाइंग एन एक्सटेंसिव फोर्स, फोर्स एट इट्स बोथ एंड, दोनों साइड में, ठीक है, दिस फोर्स विल जेनरेट ड्यू टू अपोजिशन ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्स, पोजिशन इंटर सोलर फोर्स। तो देखिए इसमें डिफिनेशन से कुछ ज्यादा नहीं समझ में आता, बस हमें बनाने आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन। अप्लाई करने आना चाहिए। तो नेक्स्ट, इट इज ए टाइप ऑफ पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स। दूसरा, इट विल रिप्रेजेंट एट एनी पॉइंट, कहीं भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉइंट सिस्टम एलोंग द लेंथ ऑफ द, मतलब स्ट्रिंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है, दैट पॉइंट। अब इसमें देखा जाए कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम लोग दो एक मतलब मास लेंगे सेट नहीं हुआ, तो इसमें देखा जाए
टेंशन किधर, मान लीजिए इधर फोर्स लग रहा है, नहीं ये फोर्स वाला एक्शन वाला जो लग रहा है, मतलब एक तो ये फोर्स मान लीजिए लग रहा है, तो टेंशन किधर लगेगा, इधर लगेगा, अपोजिट लगेगा अपोजिट, नहीं? अगर इधर फोर्स लग रहा है तो टेंशन इसके अपोजिट लगेगा। इसका टेंशन इधर लगेगा, और इस टेंशन की वजह से इधर भी एक टेंशन आ सकता है, इस टेंशन एक फोर्स हो जाएगा ना इसके लिए, हाँ T22 तो ये भी हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से हम मतलब बनाते हैं, और भी बहुत तरह के, कभी कभी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। एक इसमें कोई मास नहीं लगेगा, लगा रहे हैं केवल केवल रस्सी ही, इतना मतलब ठीक है, इतना मास वाला है कि उसको उसका भी टेंशन वगैरह काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मोटी सी रस्सी है, अब इस पे फोर्स अप्लाई, जैसे रसरा बांध देते हैं, नहीं ऐसे हर रस्सी का मास होता है, लेकिन इसमें मासलेस स्ट्रिंग बोलेगा क्वेश्चन में। हाँ, ऑन द ब्लॉक बाई स्ट्रिंग, मतलब ये वाला जो क्या है, ऑन द ब्लॉक, बाय स्टिंग क्या यार पेन बदलना पड़ेगा भाई। आज नहीं है, बदल दो सर पे, होगा एक्स्ट्रा में तो काम आ गया है। आप चल देखा इसमें इसका मास हम लोग काउंट करेंगे, जैसे मान लीजिए है ए पॉइंट, हम लोग बी पॉइंट मान लीजिए, तो मतलब अलग अलग इसमें हम लोग स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका अलग हो गया जे ए वाला डार्क वाला, तो इसका टेंशन अलग, इसका टेंशन अलग, नहीं ये आई एफ डैश हो गया, इस पे हम लोग ए वाले का अलग हम लोग काउंट कर सकते हैं, इस पे एफ था तो इसका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो मतलब अलग अलग निकाल सकते हैं, कहने मतलब ऐसे। एक हम लोग पुली का आ जाता है, पुली वाला, ठीक है, पुली कोली वाला है। वाला आ जाता है ना, पुली वाला ऐसे आ जाता है। एग्जाम्पल क्वेश्चन, नहीं इसमें भी अगर हम लोग लगाने आना चाहिए, तो इसमें भी कई तरह के टेंशन, एक तो ठीक है यहाँ पे टेंशन आ जाएगा नहीं, और एक ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे, एक ये पुली पे जो रस्सी है मान लीजिए मास से लगा हुआ है, इधर मान लीजिए हमारे पास मास से लगा हुआ है, या मोन मान लीजिए, ठीक है, ये तो ये टी हो जाएगा, इधर टेंशन हो जाएगा कि नहीं, इधर मान लीजिए ऊपर इधर भी फोर्स हो टेक्निकल जाएगा या काम कर मोन जी जाएगा। आ जाएगा, इधर फोर्स हो जाएगा या टू जी आ जाएगा। अब किधर जा रहा है वो डिपेंड करेगा किसका, टेंशन या मास अलग है, हाँ इधर टेंशन आ जाएगा टी, तो अलग अलग इधर टी डैश मान लीजिए दोनों का, तो अलग अलग आता है, ऐसे टेंशन निकालने आना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं इफ स्ट्रिंग, क्वेश्चन किया था सर, पता नहीं कैसे कर दिया था, टेंशन निकाला था नहीं, बाकी और आ गया था ऐसे में, स्ट्रिंग इज मासलेस, समझ नहीं आया। मासलेस यूनिफॉर्म। अभी क्वेश्चन लगवाएंगे, एंड कंटिन्यूअस देन वैल्यू ऑफ टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग पे जो रहेगा वो रिमेन सेम रहेगा नहीं, जब मासलेस है, हाँ बोलता है मासलेस स्ट्रिंग क्वेश्चन में। एक देखिए इसमें हमारे पास क्या आता है, रेफरेंस पॉइंट आ जाता है ना, रेफरेंस पॉइंट आता है ना, डिफरेंस पॉइंट, रेफरेंस हाँ डिफरेंस, पॉइंट ऊपर भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे भी बता दे रहे हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट मतलब कि एक तरह से बोल मतलब सकते जहां से हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं उसका हैं। हाँ डिफरेंस, हाँ
रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम हम लोग बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम ज़्यादा प्रचलित है। तो यानी कि इसमें इनर्शिया पे डिपेंड करेगा। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया हम लोग पढ़े हैं, पहला क्या हो जाएगा, इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, पहला मतलब कि एक्स एक्सीलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम इज जीरो। एंड अब देखिए इसमें जिस फ्रेम का रहेगा एंड जो वैल्यू होगा फ्रेम ऑपरेशन का वायर होगा, होगा कि नहीं। छोड़िए इसको ये, क्योंकि ऊपर हमने रेफरेंस फ्रेम की बात की है, तो इनर्शिया इनर्शिया तो इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन से ही सीखते नहीं, क्योंकि हाँ ठीक है सर। मेनली तो हमें क्वेश्चन ही लगाना है कि क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन से सीखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, मतलब बेसिकली आपको बनाने आना चाहिए बस, मतलब कौन सा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाने आ रहा है तो आप क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं अभी जो रिसेंटली आया था, तो इन द डायग्राम शोन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जे एन से डिनोट करते हैं बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज कंसीडर इज, ये 2022 का क्वेश्चन है। द सरफेस टू बी स्मूथ, मतलब बोल रहा है स्मूथ सरफेस है। अभी हम लोग फ्रिक्शन वगैरह नहीं पढ़े हैं, फ्रिक्शन आगे पढ़ेंगे इसमें, तब हम लोग वहाँ फ्रिक्शन वाला बात करेंगे। और यहाँ पे जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये न दिया रहे तभी हम लोग लिख सकते हैं आपको, क्योंकि फिगर दिया रहेगा, क्योंकि इसमें फिगर तभी क्वेश्चन कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें लिख रहा डायग्राम लिख रहा ना, डायग्राम शो, तो डायग्राम तो देना पड़ेगा भाई, तो सर डायग्राम दिया है, ये दिया है। अब इस पे देखा जाए ये एंगल कितना है, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग मास है, एक तो सबसे बड़ा मास पहले, इसके बाद छोटा मास है, उसके बाद और छोटा है। ठीक है, तो 3 मास है, मतलब ये 3 kg का है, 2 kg का है और 1 kg का है। ठीक है, अभी इसमें देखा जाए इधर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F2 दिख रहा है, जो फिगर में दिया है 18 न्यूटन लग रहा है, और इधर से जो ये फोर्स लग रहा है F1 लग रहा है और एक 60 न्यूटन का लग रहा है, बस इतना दिया है। और ऑप्शन लेना हो तो ऑप्शन हम दे रहे हैं, ऑप्शन 25 न्यूटन। यहां से एफ इक्वल टू एम ए करके ए निकाल लेंगे पहले, न्यूटन सो सी मीटर सिक्स लग जाएगा 60 डिग्री, न्यूटन डी और 10 न्यूटन। 18 न्यूटन का अब एच। देखा जाए इसमें आप निकालिए क्या हाँ पूछ रहा है, बिंदु पांच बेसिकली सर, फोर्स पूछ रहा है। एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसमें फ्री बॉडी डायग्राम आपको एक्सीलरेशन अगर F2 से निकालेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड,
नहीं गलत आवाज थ्री डिस्टर्ब नहीं है। आएगा, नहीं, अभी तो उसके कंडीशन एक्सेलरेशन निकाल टू दूंगा, अभी आएगा। 3 नहीं आएगा। हाय अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बहुत छोटा क्वेश्चन। कह क्या करें, उसे नहीं समझ पाया, आवाज ही नहीं आ रही, कट के आ रही है। लगाइए इसको। हाँ, इसको कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, आगे पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना यार, फिजिकल टू एमएस से। यहाँ पे देखिए, जो नॉर्मल रिएक्शन का बात कर रहा, ये आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछ रहा और बीच का पूछ रहा। बीच का मतलब कि जो यहाँ पे देखिए, टू और वन के, मतलब बिटवीन टू और वन के बीच पूछ रहा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है, देखिए मैंने सिखा, वैसे तो ऐसे पॉइंट लिख दिया, लेकिन आपको बेसिकली सीखना ही होगा, ठीक। तो हम लोग पहले इसको फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा लेते हैं, हमेशा ऐसे बना लेंगे। अब देखा जाए पूरा, अगर देखा जाए हम लोग पूरा, अगर एक्सेलरेशन निकालना है बैलेंस नेट, अभी हम बीच का बात नहीं कर रहे हैं, पूरा, ठीक है। अब पूरा निकालेंगे तो आपका टोटल मास कितना हो गया, 6 kg हो गया टोटल हाँ, मास मास, तो पूरे बॉडी 6 kg। अब जब एक मान लिए तो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ हो गया इधर, क्योंकि इधर से फोर्स लगा रहा है कितना, 18 न्यूटन। यह फोन लगा रहा है 18 न्यूटन लगा रहा है, और नीचे से फोर्स देखिए धीरे पुश कर रहा है, तो यह सिक्सटी फोन, हाँ ये कितना दे रहा है, सिक्सटी हाँ वो मतलब ऊपर देखा जाए तो हाँ F2 लिखा हुआ, उल्टा लिख दिया मैं, ठीक है कोई नहीं, इसको F2 लिख दे रहे हैं, इसको F1 लिख दे, 16 न्यूटन, ठीक है। इधर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आपको आ रहा है, तो ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री इधर, तो हमारे पास ये मास होगा नीचे, क्योंकि ग्रेविटी की तरफ तो mg होगा, जान ही रहे, ठीक है। अब इधर जो हमारे पास एंगल होगा, अब देखिए एक तो ये वाला आ जाएगा इधर और इधर होगा, और ये क्योंकि एंगल के अपोजिट, एंगल के साथ में आएगा, ये 30 है तो ये भी 30, तो ये कितना हाँ, हो जाएगा, एम जी कॉस 30 हो जाएगा डिग्री, 30 और ये इधर वाला क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो होता है, साइन 30 हो गया, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए हमें क्या निकालना है, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, यानी कि ए इक्वल टू अपने मेथड से बता रहे हैं फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। अब मोशन के लिए मास। मतलब हाँ एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, तब ये कैसे निकलेगा, या ये देखिए, फपानियम से क्योंकि क्योंकि हमारे पास F1 बड़ा है, F1 F2 से माइनस F2 F2, और फिर माइनस क्या हो जाएगा एम जी, ये काउंटर है ना, ये अपोजिट आ रहा है ना इसके 60 के, तो एम जी साइन 30 डिग्री, थर्टी ये तो फोर्स लग रहा, और नीचे मास हाँ कितना हो जाएगा, वही 6 हो जाएगा, क्योंकि वही सिक्स मोशन में जा हाँ रहा है 6। अब ये सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू दिया है हमारे पास, तो F1 कितना है 60 माइनस F2 कितना दिया है 18 दिया है, माइनस 6 × 10, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, बाय 2। तो कितना हो गया, इधर 30 आ जाएगा, 5 × 6 = 30 कितना आ गया, और अब 5 × 6 आ गया, तो 30 और 18, 60 माइनस 30 40 48, 48 अपॉन 6, तो 12/6, तो कितना हो गया, 2
मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब हमें देखिए बीच का पूछ रहा है, अब ये तो एक्सेलरेशन निकल गया, हाँ समझ रहे हैं ना। ठीक है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत आसान होता है ये। एक्सेलरेशन हो गया अब हमारे पास, ठीक है। अब ये बोल रहा है आंसर कि हमारे पास जो फोर्स दो, मतलब ये सेकंड और फर्स्ट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन तो हमारा काम आ जाएगा। अभी हम एक छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बना लें, ऐसे अपने समझने के लिए ऐसे भी लगा सकते हैं। तो वही 30 डिग्री। अब देखिए हमें क्योंकि नॉर्मल फोर्स निकालना है एन, और किसके बीच में, 1 kg के वन बीच और में, टू के 1 kg, 1 kg ही दिखाएंगे, 2 तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ नॉर्मल हमें यही पूछ रहा है एन की हाँ वैल्यू, और इधर 18 न्यूटन लग रहा है तीन नहीं। और इसी में क्या है, इधर हमारे पास mg हो जाएगा, जी बस और ये क्या हो जाएगा, mg cos 30 थीटा हो जाएगा, मतलब cos वही 30 थीटा हो जाएगा, ठीक है, और इधर sin 30 हो जाएगा। ये सब फटाफट बनाने थोड़ा आना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, वही फिर हमें लगाना है जो हमने अभी आपको एक हाँ वही फार्मूला से एफ वन फार्मूला, माइनस हाँ एफ टू करके हाँ तो ए हमें दिया है, ठीक है, ए दिया हमारे पास दिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू टोटल फोर्स जो होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन हमारे पास एन नॉर्मल है, नॉर्मल -18 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, एम एम ओन, अब एम ओन जी, अभी केवल एम ओन जी होगा साइन, ये एम ओन जी लिख सकते हैं क्योंकि मास वन के ही रिस्पेक्ट में लिख रहा है, ठीक है, साइन सब जगह एम ओन एम ओन लिख सकते हैं, sin 30 अपॉन क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, मोशन तो कितना मास हो गया, मास कितना हो गया, 1 होगा ना, टोटल मास मास 1 होगा, टोटल वन होगा। मास तो 1 ही होगा ना। तो यही हमारे पास आंसर निकल जाएगा, निकाल लीजिए। अब एक्सेलरेशन तो 2 आ गया था हमारे पास, एन माइनस 18 माइनस ये 1 × 10 और हाफ, तो अपान 1 है, कितना हो गया, 5 हो गया। इधर आ गया हमारे पास एन माइनस 8.13 23 अपॉन 1, और देख लीजिए एन इक्वल टू कितना आ गया, 2 + 23 तो कितना आ गया, 25 न्यूटन, ठीक 25 है, यही आंसर हो गया, 25 न्यूटन आंसर रहा होगा पहला ऑप्शन, ठीक है। इसमें बहुत आसान रहता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना रहता है। हम तो जो अब आपको मैंने अपना फार्मूला बताया इसी से लगाते थे पूरा सब कुछ, बस एक ही दिमाग में सेट ही किए थे। कुल मिला के हमें ऐसा देखना है कि मतलब दिमाग में आपको ये बैठाना है ना, पहले देखिए एक्सेलरेशन ही निकालना पड़ेगा हर में, और हाँ उसके लिए हाँ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, ऐसा फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल हो मोशन के लिए, अपान मास इन मोशन। तो यही कुल मिला के यही आपको क्वेश्चन का आंसर सही कराएगा, कोई भी क्वेश्चन इसी के बेस पे आपको लगाने आना चाहिए, समझ रहे हैं। ठीक इसमें इतने क्वेश्चन बन जाते हैं कि आप पूछिए ना, इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें ठीक क्वेश्चन का कोई कोई नहीं है, कितने क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक, हाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं, आप थक जाएंगे, मतलब कि इतना बड़ा टॉपिक है ये कि मतलब पूछे नहीं। अब इसमें क्या है कि इसके लिए आपको केवल कॉन्सेप्ट सीखना होता है, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया और लगाने आ गया तो आपको आंसर हमेशा फटाफट लगेगा। जैसे हम एक आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं, इस पे आप अप्लाई करके हमें बताइए, देखिए ये आप अप्लाई कर ले रहे हैं कि नहीं, ठीक है, और भी देते हैं सीधा सीधा वाला।
इसमें एक तो ये ब्लॉक है और इसका 2 kg है वेट, ठीक है, मास है 2 kg। दूसरा यहाँ ब्लॉक हम थोड़ा बढ़ा देते हैं और ये 3 kg है, ठीक, थोड़ा और बड़ा ब्लॉक कर देते हैं तो कंटिन्यूअस मैनर में 4 kg कर सकते हैं, ठीक है, ये 2 kg, 3 kg, 4 kg है। अब देखिए इस पे क्या कर रहा है, इस पे हमारे पास फोर्टी फोर्स फाइव न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 45 न्यूटन का, जो फोर्टी यह फाइव लग न्यूटन रहा है, से हाँ 45 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हमें हर हर पॉइंट पे क्या बताना है, आपको नॉर्मल कितना लग रहा है वो आपको एक्सेलरेशन बताना है, मतलब कि हाँ जैसे यहाँ पे नॉर्मल क्या आ जाएगा, 2 kg, थ्री इसके केजी बीच फोर में केजी दोनों जो में लगाना नॉर्मल है। आएगा, हाँ इसके बीच में मतलब कह सकते हैं N1 नॉर्मल, ये भी N1 ही रहेगा, एक्शन रिएक्शन में रहेगा, ये भी हमारे पास NO2, N2, ये हमें निकाल के बताइए कितना आएगा, जल्दी से फटाक दे देखिए निकाल लेते हैं कि नहीं। बहुत मजा आता लगाने में, यस सर, हाँ और ये ओरली आप लगा सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं कि ना आए, सबसे बड़ी चीज ये है। देखिए आया, एक्स रिलेशन निकाल लिया सर, निकाल रहा हूँ बस 1 सेकंड के लिए दे। अब इसमें एक्सेलरेशन क्या है, ए एक्सेलेशन इक्वल टू आएगा फोर्स 9 आएगा, ऊपर 5 5 5। ना, 5 आएगा, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन तो 45 है, और नीचे सारे मोशन में जा रहे हैं, सारे ही जा रहे हैं ना, सारे फोर्स हो गए, हाँ तो यानी कि कितना हो गया, 9 हो गया, तो कितना हो गया, 5 m/s² हो गया एक्सलरेशन। अब देखिए सिंपल है, N1 आप निकाल सकते हैं, N2 निकाल सकते, कोई भी निकाल सकते हैं एकदम फ्रीली, N1 तो 10 आएगा, N2 15 और 20 आएगा। हाँ आप देखिए जैसे N2 का बात करें या N1 की बात करें जो भी रहे, अब इसमें भी वही लगाना है, अभी हमने जो बताया वही चीज यहाँ पे लगाना है। अब मान लीजिए आप N1 लगा रहे हैं, तो N1 में ये N1, N1 यहाँ से बॉडी खींच रहा, ठीक है, तो मास कौन कंसीडर किया जाएगा बता सकते हैं? टू टू केजी का हाँ टू केजी केवल, का हाँ टू केजी का कंसीडर होगा ना। हाँ तो कितना हो जाएगा, अगर टू यानी कि केजी हमारे पास तो देखिए या फोर्टी फिजिकल फाइव माइनस N1 इक्वल टू 2A, ए कितना आया, 5 आया है, फाइव ये आंसर हो गया, N1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी टेन कि 10, और इधर 45 गया, ठीक है, ओ माइनस माइनस में जाएगा ना, सर, यहाँ थोड़ा सा मेरा गलती है। 10 तो क्या मैंने कर? कर दिया, लेकिन N1 या फिजिकल टू फिर यम में लगा देंगे ना, तो यम का तो 2 kg ले ही लेंगे, ए के वैल्यू तो निकल ही आया है। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी हम अपने दिमाग में आप इग्नोर भी कर सकते हैं, अपने दिमाग में इग्नोर कर सकते हैं, कैसे बताइए कैसे कर सकते हैं? या फिजिकल टू यम ए कर देंगे, अब मास का तो वैल्यू पता है, 2 kg का अगर N1 निकालना है तो ए तो निकाल लिया है, तो फिर 5 हो जाएगा, एम के वैल्यू 2 kg दिया है, तो फोर्स यहाँ से तो निकल जाएगा 10 kg। हाँ अब देखिए जब हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमें N1 निकालना है, जब N1 निकाल रहे हैं तो N1 में यहाँ पे 3, और मतलब कौन कौन फॉर मास कंसीडर होगा मोशन में, कौन होगा, यही तो मोशन में कौन होगा, N1 निकालेंगे तो 2 kg का कंसीडर करेंगे। हाँ तो कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हम लगा के बता रहे हैं, अब देखिए ये तो 45 रहेगा, ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे ऊपर लगाए थे, ए इक्वल टू फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन कौन होगा, यानी कि जो हाँ हमारे पास 45 45 होगा, और माइनस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस N, N1 का N1 निकालना है ना। हाँ N1 सही बोल रहे हैं, N1 हो गया, और अपान क्या हो गया,
यम का टोटल एम 2 kg के निकाल एम लेंगे, एम एम कौन जा रहा है, केवल मोशन में कौन जा रहा है, 2 kg टू जा रहा है, तो के हाँ यानी कि यहाँ पे आपको कितना हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना, 5 है। हमारे पास, और इसका हमारे पास क्या 45 - n1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, टू तो के जी ये 10 हो गया, 10 हो गया, तो ये वाला जो हमारे पास ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा, -45 माइनस हो जाएगा और -n1 हो जाएगा। अब -35 आंसर आ गया, लेकिन इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई, 35 न्यूटन आ गया, यही आंसर हो गया। नहीं समझ अच्छा ऐसे रहे हैं कर ना? हाँ ऐसे कर लीजिए। अब देखिए ये दिमाग में ओवरले भी निकाल सकते हैं, बहुत मजा आता है ऐसे लगाने में। देखिए अब यहीं से, आप यहीं से देखिए, कर लीजिए यहीं से, ये जो हमारे पास ये पुश कर रहा है, तो इसमें से ये इतना बॉडी, इतना मतलब मास खा लिया होगा, मतलब कितना खा लिया होगा, देखिए हम आंसर बिना लगाए बता रहे हैं। देखिए ये कितना, मतलब 2 kg है, और हाँ 2 × 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तीन अब के 10 जी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ गया, इतना मास खा गया होगा ना, मतलब इतना फोर्स, अच्छा। आंसर आ गया ना बिना लगाए, आ गया कि नहीं, थर्टी हाँ फाइव हाँ ठीक ठीक है सर, है। इसका मतलब अगर अब हम N2 लेंगे तो देखिए अगर हम अब इसमें निकाल रहे हैं, N2 निकाल रहे हैं, तो जी यहाँ पे ये 30 इतना आएगा। मास खा लेगा, हाँ 20 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब 5 तो आया है ना, 5 × ये क्या हो गया, 5 हो ठीक गया ना, तो 5 × 5 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक और 45 - 25 कितना, 20 आ गया लेकिन सर अगर आंसर। एन टू आप ले रहे हैं तो 3 kg के लेंगे कि फिर N1 और N2 दोनों ऐड कर देंगे फिर दोनों फाइनल। ऐड कर देंगे क्योंकि आगे चला गया ना वो मास कंसीडर हो रहा ना, वही तो कर रहे अच्छा हैं, समझ ठीक है रहे हैं। हाँ ठीक है अब देखिए अभी हमने जो आंसर निकाला है ऊपर, ओवरऑल अगर यहाँ पे पूछे कोई ये इतना कितना बचेगा, तो ये 5 4 9 9 45। सारे कंसीडर हो जाएंगे, सारे कंसीडर हो जाएंगे, तो 9 और मतलब नौ कितना हो गया, 9 5 45 मतलब 5, 0 हो 0 जाएगा। हो जाएगा, वही 0 होगा ही, क्योंकि तक 0 हो जा रहा है ना, तभी हाँ यहाँ पे हाँ दिया हाँ नहीं हाँ फोर्स ना, समझ रहे हैं ना, तो हाँ समझ रहे। इसमें लेकिन डिवीजन सर किसको इसमें ये में, नहीं कर सकते ना कि या फिजिकल टू एम ए नहीं लगा सकते, जैसे 2 kg का लेंगे। अरे वही लगा रहे हैं यार, वही FA2 लगा रहे हैं, लेकिन इसमें कंज्यूम तो कर ले रहा है ना फोर्स, अब हाँ इतना जितना इसमें फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मशीन को धक्का दे रहे हैं, तो मशीन का जो मास होगा वो आपका जो फोर्स लगाया होगा उतना कंज्यूम कर लेगा, तब पुश होगा ना, वही तो एक कॉन्सेप्ट है सिंपल से ना, बस इसको वेरियस तरीके से आप लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि हजारों तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम इसी तरीके से लगाते हैं, हमको बहुत आसान लगता है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको, हाँ ठीक है ठीक है आपको अगर फैमिलियर हो जाएंगे कभी ना क्वेश्चन गलत होगा ना कुछ, ठीक है। आप देखिए इसमें आप इसको सिस्टमेटिक लगा लीजिए, A = अब यानी कि फोर्स एम फोर्स -n2 अपान क्या हो जाएगा, वही एम, नहीं यही तो हमने लगाया है, और F कितना, 45 है, हमें N2 निकालना है। देखिए अब सिस्टमेटिक लगा रहे हैं, अब फोर्स रिस्पॉन्सिबल इन मोशन कितना, 2 + 3 हो गया, और इधर हमारे पास फाइव 5 आया है, तो कितना 25 हो गया, फोर्टी 45 - फाइव N2, तो एन टू इज इक्वल टू मतलब N2 = कितना, फोर्टी 20 न्यूटन आ गया आंसर, चाहे जैसे लगाइए ओवरली। अब देखिए हम दूसरा दे रहे हैं, आप उसमें आंसर बता दिए, ठीक है, प्रैक्टिस इसमें करना होता है, बस एक बार दिमाग में सेट हो गया न्यूटन लगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, बहुत मजा आता है लगाने में, क्योंकि ना इसमें दूसरा कोई फार्मूला सोचना है ना कुछ सोचना है, बस आपको वहां पे ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्या चीज कंज्यूम हो रहा क्या नहीं, जैसे मतलब एक तरह से वैदिक मैथ वाला कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब कि जैसे मतलब बिना पढ़े लिखे वाले क्वेश्चन लगाते हैं उस तरह से, ठीक है। हाँ ठीक बस अब देखिए हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग दिया है बीच में वो क्या है, मतलब वेटलेस है, उसका वेट नहीं रहा मेजर किया, जब बोलेगा या थिक दिखाएगा तब, ठीक है। अब इस देखो ये और आसान है, इसमें ब्लॉक दूर दूर है, विजिबल है,
अब इसमें देखा जाए, ये हम लोग ये दे दिए, ठीक है। अब इसमें 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन का? 100 न्यूटन्स। 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का लग रहा है। अब ये देखिए, ये कितना है? 2 kg है, ये 3 kg लिखा है, ठीक है, ये 6 kg लिखा है, ठीक है। बड़ा तो बीच वाला लग रहा है, चलिए फिर कोई नहीं। लिखने से मतलब। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, ये 12 न्यूटन है। अब देखिए बचा हुआ फोर्स भी बता दे रहा है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो उसमें बच नहीं रहा था, तो 0 आ रहा था ना एकदम हाँ अच्छे से। तो अब देखिए इसमें हमारे पास जो है, मान लीजिए कोई भी मान सकते हैं, यहाँ पे जो टेंशन हो गया T1 T2 दोनों एक ही इक्वल होगा, यहाँ पे जो टेंशन होगा वो T3। T2 मान लीजिए, T3 कहाँ आया, T3 कहाँ आया। अब देखिए सबसे पहले क्या करा करिए, आंख मूंद के एक्सलरेशन निकाला करिए टोटल। हाँ तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितना हो गया बताइए, अब निकाल के बताइए, देखिए समझ में आया कि नहीं आपको। इसमें तो फोर्स सर हाँ 12 भी न्यूटन दिया है, 100 भी न्यूटन दिया है। हाँ तो 100 - 12 हो जाएगा ना, क्योंकि अपोजिट दिया ना। तो ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, मतलब कि इसमें से कितना फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा मोशन, क्योंकि ये तो 12 - 12 न्यूटन खा ले रहा है ना, तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और नीचे क्या है, मोशन मास इन मोशन, कितना मास मोशन में है, बस वही हमें सोचना है, बाकी को नहीं सोचना है। तो सारे एक्सीलरेशन इसमें 8 मीटर मोशन पर में है, सेकंड तो आएगा, कितना 8 मीटर पर हो सेकंड एक्सीलरेशन आएगा, 8 मीटर पर गया सेकंड। है? हाँ, तो यहाँ पे 2 + 3 + 6 तो कितना हो गया, ये यहाँ 11 हो गया, 88 और 88 11, तो 8 मीटर पर पर सेकंड सेकंड इसका। स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी निकालिए इस वक्त T1 T2 निकाल के हमें बताइए, तब सोचे आपको समझ में आ गया। और भी निकाल सकते, क्योंकि बहुत आसान होता है। अच्छा एक सेकेंड, ये हम लोग बना के अपने प्रैक्टिस करते थे इस कॉन्सेप्ट को आवाज ही नहीं क्लियर। आ रही सर। हैं T1 कितना आप आया, बोले आवाज ही नहीं आई। T1 कितना आ रहा है, T1 72 72 कैसे आ रहा है भाई? 72 88 आप समझ नहीं रहे 72 हैं। टू आई आठ। अब देखिए T1 जब हम निकाल रहे हैं ना, T1 समझ रहे हैं, एक जब सेकंड T1 सर, हाँ T1 में आपने T1 T1 मतलब 2 और +3 दोनों कर दिया है, कहाँ 2 है + 3, मतलब 2 kg भी ऐड अब करना पड़ेगा और 3 kg भी ऐड करना पड़ेगा। नहीं 2 क्यों करेंगे, 2 केवल करेंगे, 3 क्यों करेंगे, जब इधर इधर खींच रहा है ना, ये वाला पोर्शन खींच रहा है ना, तो इधर वाला ही केवल मोशन में होगा ना। मतलब अगर फ्री बॉडी डायग्राम से देखें तो हमारे पास ऐसा बनेगा, टू ये तो सही है केजी सर। टी हो गया, ये T1 और इधर 12 हो गया। अब यही आंसर आ जाएगा, देखिए T1 - 12 इक्वल टू 2A, मतलब m, तो m कितना हो गया, 2 ही होगा। तो T1 = - और यहाँ पे 2 × कितना एक्सेलरेशन आया, 8 आया है, 8 आया है ना, सिक्सटी तो कितना हो गया, 16 हो गया, और ए T1 - 12, ठीक है, टी वन इक्वल टू तो आया, 16 + 12 कितना हो गया, 20, 28 हो गया ना, 28। 28 न्यूटन आना चाहिए। यहाँ से देखिए ऐसे, यहाँ से बिना देखे लगा सकते हैं, इसको हमें छोड़ देना है, अब इसको नहीं कंसिडर करना है।
नहीं इसको तो कंसीडर नहीं किया सर, लेकिन टोटल जो हमने निकाला ना वो मास सेपरेट करके 100 न्यूटन से 12 न्यूटन 88 आएगा, तो वो मास तो ऐड करेंगे लेंगे ना 88। थोड़ी दूसरा गलत निकालना है। 88 कहाँ से आ जाएगा, ये हमें T1 निकालना है। T1 में पीछे जो रहेगा उसी को निकालेंगे ना, वही मोशन में रहेगा ना। चले T2 निकालिए, T2 निकालिए। अब T2 देखिए बहुत आसान है। अब T2 देखिए, हमने 2 मास है इसमें, ये बचा नहीं, तो 2 kg और 3 kg, ये हमें मतलब T2 है, और इधर हो रहा 12 हो रहा 4g, तो हम देखिए इसी पे निकाल सकते हैं, यानी कि T2 - 12 इक्वल टू 2 + 3, मतलब 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया ना। तीन हाँ 5 हो गया। बोले कितना आया, अरे नहीं टोटल तो इसका T2 तो 5 आया। T2 कितना कितना, आंसर आ गया, अरे गड़बड़ हो गया सर थोड़ा सा। गड़बड़ कैसे हो रहा। सस्पेंस कितना हो जाएगा, ए कितना है, 8 निकालना देखिए निकाल के देख रहे हैं है। यहाँ पे, 5 एक इंटू सेकंड 8 नंबर 40 हो गया, और देखिए T2 इक्वल टू कितना, 52 न्यूटन आ गया। हाँ 52 न्यूटन। देखिए अब देखिए, अगर देखिए इतना अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम इधर से लेके भी चलें ऐसे डायग्राम बना के। देखिए अब यहाँ 6 के, क्योंकि देखिए हमें जो हमने बनाया ना, देखिए आप इधर से भी लगा, देखिए इधर वाले को भी मान के लगाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा, इधर वाले के मान के लगाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ T1 T2 दोनों है। ऐसे यहाँ पे भी देखिए सेम आना चाहिए, हमें प्रूव करके सिखा रहे हैं। हमने देखिए अभी जो निकाला है वो इतने से निकाला है, इतने से निकाला है ना, तो ए वाला हाँ T2 निकाला है। अगर हम इतने से निकालें तो ए वाला T2 और ए वाला T2 तो बराबर है यार, T2 T2 बराबर ही है ना, तो वैल्यू तो बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम इधर वाले से भी लगा के बता दे रहे हैं। देखिए ये अब इसमें क्या कंसीडर करना है, इधर देखिए T2 आ गया है कि नहीं, इधर कितना है, 100 न्यूटन है। न्यूटन्स का अब देखिए इसमें वही फार्मूला सेम, फार्मूला इक्वल टू ए इक्वल टू कितना है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, मतलब 100 - T2 ठीक है, अपॉन 6 हो जाएगा। अब इसमें ए एक्सेलरेशन कितना आया है, 8 आया है, तो 8। कह सकते हैं हमारे पास कितना, 8 इक्वल टू 100 - T2 अपॉन 6, 8 6 48 48 फिफ्टी इक्वल टू टू आएगा। हंड्रेड हाँ हाँ वही आएगा जो अभी लगाया है। तो इसमें कितना आ गया, -52, और इधर -T2, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, T2 इक्वल टू 52 न्यूटन। देखिए आया है कि नहीं, मतलब इसमें ये कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा होता कि कहीं गलत होने की दिक्कत ही नहीं रहता, समझ रहे हैं कि नहीं। यस सर। हाँ हाँ बस एक बार समझने का रहता है इसमें, और कुछ नहीं। और भी इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो मतलब आप ऐसे ओरली लगा सकते हैं। जैसे देखिए अभी आप जितना भी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए पुली का है, अभी हम पुली का अलग केस बताएंगे, बस हम ये क्लियर करने के लिए आपको ये बना रहे हैं कि आप इसी से ही सारा लगा सकते हैं। बस एक क्या प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बस
अच्छा सर, ये जो अभी किया 100 न्यूटन और 12 न्यूटन, ये तो हम स्टार्टिंग में टोटल फोर्स निकाले थे ना 88, लेकिन निकालेंगे तो उसका 12 आगे का या फिर पीछे लगेगा ना। यार पता नहीं कहाँ दिमाग क्या जो 88 न्यूटन क्या निकाले था फोर्स, करता कहाँ 88 कितना फोर्स निकाले मतलब इसमें दो फोर्स लग रहा है बताइए ना, 12 न्यूटन और 100 न्यूटन, बताइए क्या कंफ्यूजन है तो बताओ। अरे यार इसमें अपोजिट लग रहा है ना तो माइनस हो जाएगा 38 हो गया। हाँ 38 88 हो अपॉन गया 11 तो तो एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन। वही सर तो अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन समझ को गया, ही अब हमें हमें यूज करना रहेगा। 12 न्यूटन से यूज करना है। ठीक है ठीक है, अब चाहे इधर वाला से यूज उधर करिए। अरे यार ये तो सिंपल सा ये भाई फटाफट लगता है। ये देखिए इसको लगा दीजिएगा, हम इसमें कुछ नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं, आप लगा के बताइएगा जनरेट हो रहा टेंशन, यानी कि कह सकते हैं T1 कह सकते हैं ठीक। और इधर हमारे पास 2 kg का है और इधर का T1 है। अब इसमें से एक और मास लग रहा है T3 kg का, ये T2 हो जाएगा ठीक। तो इधर मास है ना रस्सी से हुक से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T3 हो जाएगा। तो ये T1 T2 T3 आप तीनों निकाल के हमें बताइए फटाफट बताइए। फोर्स कितना लगा रहा है? अब आपने आप निकालिए ऐसे ही, यही फिगर है फोर्स तो इसी से पता चल जाएगा ना MG हो जाएगा। मार दिया तो फोर्स पता चल कितना हो जाए, MG होता है ना जी। तो आप वैल्यू निकाल ही सकते हैं जी 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 के ही रिस्पेक्ट में आंसर दे दीजिए। तो ये हम तो पता चल गया 11 2 2 3 निकाल लेंगे। बहुत बारिश हो रही है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तीनों का तो फोर्स अलग लगेगा ना, अगर 2 kg के निकालेंगे तो 22 आएगा। फोर्स के चक्कर में पढ़ने नहीं है इसमें ज्यादा, आपको T1 T2 T3 निकालना है। अब देखिए अगर स्मार्ट रहिए तो ऐसा आंसर बता दीजिए ठीक है। अब स्मार्ट क्या, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स लग रहा है इधर तो बॉडी बनी है इधर तो जाएगा नहीं ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मूव वगैरह होगा तो यहाँ पे 6G लग सकता है, मतलब MG MG होगा ना, तो मतलब हम 6G कह सकते हैं या 60 कह सकते हैं। अगर हम लोग 60 न्यूटन कह सकते हैं, कोई भी आप लगा लीजिए जो भी आपका मर्जी हो। तो अगर देखा जाए 60 न्यूटन है यानी कि इसके अपोजिट है T, तो क्या हो गया यानी आंसर आ गया यहाँ पे T1 की वैल्यू कितना, T1 कितना आ गया ये वाला T1 60 न्यूटन आंसर हो गया। पहला अभी वाला T1 का आंसर हो गया 60 न्यूटन या 6G लिखा रहेगा जैसा भी रहेगा ठीक है। अब आ जाइए इधर वाले पे अब इधर वाले पर आएंगे तो क्या होगा आंसर बताइए। इधर वाले पे T1, अब इधर वाला T1 भी क्या होगा जितना एक
खींचेगा उतना ही टेंशन होगा, क्योंकि एबिट टी1 हमने लिखा है, एबिट टी1 तो इसका भी हमारे पास आंसर क्या हो गया बताइए, इसका भी आंसर कितना होगा, वही सिक्स सिक्सटी हाँ न्यूटन। देखिए इसमें कुछ मेहनत ही नहीं करना, कौन सा अब बस हमें T2 और T3 निकालना है। अब T2 T3 निकालेंगे तब वो वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हमने बताया वो आप लगाएं। अब देखिए T2 जब निकालना है तो हम अब दो तरह से, एक किस साइड से निकाल सकते हैं, कुछ साइड से अभी हमने बताया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए नीचे जो फोर्स होगा, एक तो हमारे पास mg होगा, इसके नीचे एक हाँ फोर्स mg लग रहा होगा, दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, T2 लग रहा है। तो T2 T1 हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, T1 कर रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, T2 प्लस T1 mg इक्वल MG टू T1 हो गया, ठीक है। mg कितना है, 2g लिख सकते हैं, जी या हम लोग मतलब कि 2 × 10 कर सकते हैं, यानी कि T2 हमें निकालना है इक्वल टू प्लस कितना हो गया हमारे पास, 2 × 10, मतलब और ये सिक्सटी 20 इक्वल टू हो T1 गया। 60 कर सकते हैं, तो हाँ ये सिक्सटी T2 कितना T2 इक्वल टू कितना, मतलब 60 40 माइनस आ जाएगा। 20, तो कितना 40 न्यूटन आ गया आंसर। या हम आंसर में 4G भी कह सकते हैं, अगर हम जी में ही रखना चाहें, कभी कभी आंसर जी में देता है, जैसा भी रखना चाहें। तो अब देखिए वही हम कॉन्सेप्ट लगाए, इसमें क्या है कि इतना मास इतना फोर्स क्या हो गया, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, बस वही तो हो रहा नहीं। हाँ ऐसे देखिए अब T3 भी निकाल सकते हैं, T3 निकालने के लिए अब T3 के एक मास इधर है, क्या हो गया mg, यानी कि 3g कह सकते हैं। अब इसको कौन बैलेंस कर रहा है, T2 बैलेंस कर रहा है, बस हम लोग क्या T2 लिख दें, T2 इक्वल टू 3g प्लस T3। T3 हमें निकालना, T2 हम पता कर लिए, T2 कितना आया, 40 आया है, और 40 इधर हमारे पास 30 हो गया और प्लस T2 हो गया, अरे T3 इक्वल टू क्या हो गया, 40 फोर्टी माइनस माइनस थर्टी 30 टेन टी थ्री है, टेन 10g, 10 आ गया, हाँ या g कह सकते हैं। देख रहे हैं कितना आसान है, आप ओरली निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। अब हाँ हूँ बोल ही नहीं रहे हैं यार आप थोड़ा सा सर कंफ्यूज हो अभी जाता हूँ इसमें। T3 फर्स्ट T1 तो सही हो जाता है। कंफ्यूज आप लोग, मतलब बहुत बहुत मैथ की बात कर रहे हैं ना, इसलिए कंफ्यूज कर रहे हैं। आप देखिए वो लगाइए, ठीक है, इसी के बेस पे, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस का होता भाई, हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग टीचर बस क्या बोले थे, बस बेटा ये लगाओ, ये इक्वल टू फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और नीचे क्या लिखेंगे, मास मास, मास कौन वाला लेंगे, मास इन मोशन, जो मोशन में होगा उसी मास को ही कंसीडर करेंगे, नहीं तो जो मोशन में नहीं होगा वो उसे कंसीडर नहीं हम करेंगे। छोड़ देंगे बस। अब हम चाहे सब्सट्रैक्ट करना पड़े या ऐड करना पड़े फोर्स, हम टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कोई कोई एनसीईआरटी में भी आपको ए इक्वल टू समेशन ऑफ एफ अपॉन समेशन ऑफ एम लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। यही यही हम भी लगा रहे हैं, यही सब लोग लगाते हैं, बस थोड़ा सा मतलब कोई मतलब एकदम फिजिक्स के मेथड से लगा रहा है, कोई ऐसे लगा रहा है। तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं 2020 का, जो एग्जैक्ट आया था पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लगाइएगा, ठीक है, आंसर, और एकदम देखते ही आंसर आ जाएगा। टू बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम दो आर टाइड टू द एंड एंड ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग पासेस पासेस ओवर ए पुली व्हिच फ्रैक्शनलेस फ्रैक्शनलेस मतलब फिगर में देख सकते हैं द एक्सलरेशन एक्सलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इसके रिस्पेक्ट में आपको देना है एक्सीलरेशन। अब इसमें देखिए फिगर भी दे दे रहा, ये पुली दिया और इस पे ऐसे अटैच है दो मास, एक इधर है 4 kg बोल रहा और इधर वाला मास क्या है 6 kg। लगाइए आंसर कितना आया आंसर। 4 kg और 6 kg, 6 4 10। ये तो हमने उधर भी लगवाया होगा यार, जब क्वेश्चन कर रहे थे b/2 b g/5 ये ऑप्शन दे रहे हैं g/10 b g, कितना आया आंसर। अरे भाई यार जी जी वाई फाइव है। अब इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, जो इधर देखिए हम बता रहे हैं, देखिए ये है ठीक है। अब पहले देखिए ये देखिए मास दिया है 4 kg ठीक है, समझ रहे हैं, और इधर क्या है 6 kg है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि इधर जी लगेगा तो mg हो जाएगा, मतलब 6g हो जाएगा, इधर 4g हो जाएगा, मतलब जी 4g लिख दे रहे एमजी हैं ये 6g। अब देखिए मतलब mg कह सकते हैं, तो इसमें कौन सा फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स बड़ा है ये खींचेगा, तो 6G। फोर्स पहले सुन लीजिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये खींचेगा, तो यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन 6g-4g अपान क्या हो गया, एम कितना हो गया 6+4 ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे टू मुझे अपन टेन जी फाइव अपान 10 हो गया और ये फाइव 5g/5 फाइव वाले, बाई देख थ्री रहे हैं जो हमने अभी फार्मूला बताया वही लगा रहे हैं। अब इसी जी को 3-4 लाइन में मतलब जो मैथ वाला मेथड है उससे लगाएंगे ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा बी वाला। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिस कर सकते हैं इसमें ठीक है। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसी पे हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं आपको ठीक है। तो एक मतलब फिर से लगाइए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जितना हम करा लें वही आपको फायदा देगा और कुछ इसमें ज्यादा फायदा नहीं देगा। 3 ब्लॉक, अभी ब्लॉक वाला हमने ये 2015 या 16 का क्वेश्चन है, ए बी एंड सी, 3 ब्लॉक है ए बी सी ऑफ मासेस मासेस 4 किलोग्राम 2 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम, वैसे अभी जो दिया है रिस्पेक्टिवली आर इन कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट ऑन फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये सब लिखेगा ठीक है, क्योंकि हम ठीक अभी फ्रिक्शनलेस ही सरफेस, क्योंकि अभी हम फ्रिक्शनलेस ही पढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शनलेस मान के चल रहे थे यहाँ पे, तो लिखेगा ही इफ है।
एक फोर्स सी सी कितना है, 1000। 40 न्यूटन इज अप्लाइड, बोला 40 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन द 4 kg ब्लॉक, 4 kg वाले पे 40 न्यूटन, 14 न्यूटन 14 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। देन देन द कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट वाइज जो यार निकालते हैं कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन किसके किसके पूछ रहा है, ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स पूछ रहा है एज, ठीक है। तो इसमें आपको अभी हमने ऐसा क्वेश्चन लगवाया है सेम, तो इसमें कॉन्टेक्ट फोर्स पूछ रहा था, उसमें हमने दोनों का पूछ लिया था, इसमें एक ही पूछ रहा है, तो ये हमारे पास 3 ब्लॉक है, ठीक है, और एक रिफरेंस पे रखा हुआ है, ये थोड़ा सा हम लोग उल्टा ऊपर बना देते हैं, जी ये पहले वाले का ए है ब्लॉक, बी है, सी है, सब कुछ ऊपर लिखा है, और ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन हम दे देते हैं, फुल हमारे पास आंसर हो जाएगा, आप लगा के बताइए। अब चुपचाप हम देख रहे हैं, आप देखिए, ये देखिए, अब ये सब क्वेश्चन आप देखते ही लगा लीजिए, तभी पढ़ाने को कोई फायदा है भाई, क्योंकि मैंने बहुत आसान सा तरीका आपको बता दिया, कुछ भी आपको पेन भी नहीं उठाना रहेगा, आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ए और बी के बीच का पूछ रहा है कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी कि जो हमारे पास N1 पूछ रहा है, या N2 जो भी आप मान सकते हैं, सिंपल आप निकाल के हमें बस दिखा दीजिए, बता दीजिए।4 kg के प्रेशर बनाना है, 6 न्यूटन। अब देखिए इसमें अगर सिक्स देखा न्यूटन जाए ना तो आपका 4 kg, 2 kg और 1 kg। और 1 kg, 6 न्यूटन आएगा। सबसे पहला करना है एक्सेलरेशन निकाल लेना, तो देखिए ए इक्वल टू एफ, एफ कितना, 14 है, और 14 फोर्टीन ना, अपन कितना हो गया, 14/7, 7 1, तो 2 आ 2 मीटर जाएगा। पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। अब हमें इसकी बात कर रहा है इसका, तो अगर हम चार ए वाला फोर्स को लेके चलेंगे तो बाकी इधर वाला तो हम छोड़ देंगे ना, उससे कोई मतलब नहीं हाँ, है, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। हमें इस वाले फोर्स की मतलब फ्री बॉडी डायग्राम जो बनेगा, तो इधर वाला हमें निकाल रहा है भैया ए वाला, तो हमारे पास उधर वाले से कोई मतलब नहीं है, यानी कि वही हम फिर वही सेम फोर्स के सेम डिफिनेशन मतलब सेम फार्मूला लगा रहे हैं, तो फोर्स कितना हो गया, ये फोर्स जो है, ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, एक्सेलरेशन आ गया फोर्स, एक्सेलरेशन तो एफ माइनस हमारे पास N1 मान लीजिए, और अपान एम, अपन यम एम यम कितना, टू है। एम कितना, अरे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 4 14, अरे 4 4 है और 2, एक का टू ये आ तो जाएगा, 4, वो 4 आ जाएगा इधर। हाँ ये 14 आ गया, ये N1 आ गया, अपान ये कितना आ गया 4 आ गया, तो ये कितना आ गया 8 हो गया, फोर्टीन ये माइनस हो जाएगा, हो एट हो गया, जाएगा और 6 उससे हाँ तो फोर्टीन। इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया 8 माइनस 14, ठीक है, माइनस N1, देखिए हमारा जो थोड़ा छह जैसा आया उससे कोई मतलब नहीं, हो तो कट ही जाएगा ना, तो इसमें कितना बच हाँ गया, -6 बच गया और N1 बच गया, हमें आसान तो लग रहा है नहीं, बस N1 इक्वल 6 आ गया कि नहीं। अगर हम पूछते इसके बीच में बताइए कांटेक्ट तब कितना आएगा, अगर बी एंड सी के बीच में करेंगे तो 3, बी एंड सी के ना, हाँ तो कितना आ गया, क्या यार इतना टाइम, आप सीखे नहीं यार,
आप सब नाराज हैं थोड़ा। अबे ठीक भाई जब इसमें से एक में हमारे पास एट आ कितना जाएगा, खा ले, एट। एक में हमारे पास 8 खा ले रहा है, मास 8 मतलब फोर्स 8 खा ले रहा है, नहीं 8 तो यहाँ कंज्यूम हो रहा है, तब 2 मास और आ गया, तो इसमें कितना हो गया हमारे पास, कितना कंज्यूम हो गया, यानी कि 2 × 8, अरे कितना 6, 12, 12 खा लिया तो 14 में से 12 कितना गया बताइए, 2 दो ही तो आएगा, आएगा, तब 2 आना चाहिए, क्या यार लगा के दिखाएं, सिर्फ वन का भी ले लेंगे ना। अच्छा देखो लग कहाँ रहा दिमाग है, अभी अभी यहाँ पे जब 1 क्यों लेंगे, जब वो मास जा ही नहीं रहा तो क्यों लेंगे, अभी यहाँ पे कहाँ लिए 2 और 1 लिए थे, क्या यार अब इसमें थोड़ा देखिए, a इक्वल टू जो हमारे पास f सा। माइनस क्या कर लेंगे, मान लीजिए n2 हमने कर लिया अगर मास, तीनों को लेंगे तो अबे सर तो जीरो आ जाएगा ना। भाई तीनों का क्यों ले गए, हमें यहाँ पूछ रहा है तो तीनों की क्यों लेंगे, जब यहाँ पूछता तब लेते ना तीनों का, हाँ वो तो मतलब मैं निकल ही बता गया, रहा हूँ, अरे बता क्यों रहे हैं आप, गलत वो डायरेक्शन में सोच रहे हैं, अब जो हम सिखा रहे हैं वो सीख नहीं रहे इतने आसानी से, समझ रहे हैं, समझे कि नहीं, तो यानी कि N2 अपॉन क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे M1 मतलब A और प्लस M2 MB, ये वाला मास केवल रिस्पॉन्सिबल है पोर्शन में, वो वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब जो यहाँ पे फोर्स होगा वो केवल इसी को रिस्पॉन्सिबल करेगा ना, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू क्या हो गया, F-N2 अपॉन क्या हो गया 4 + 2 6 हो गया, और इधर हमारे पास 12 हो गया, उधर हमारे पास 14 है, -N2 हो गया, तो N2 इक्वल टू 2 न्यूटन आ गया, ठीक है, किसी को भी लगाएंगे तो आंसर आएगा ही, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन मिले, समझ रहे हैं, अब इसमें देखिए आप इस तरह के ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन अपने बिना पेन उठाए करिए, तब आपको मजा आएगा आगे, ठीक है, तभी आपको लगेगा कि हमने सीखा कुछ और फिर हमारे गलती नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो इस तरह से करिए, जैसे हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आप तुरंत लगाइएगा, देखते ही लगाइएगा, अब क्वेश्चन का भरमार है इसमें, अभी हमने कॉन्सेप्ट और नहीं पढ़ाया इसमें, लेकिन हम कि आप ये सीख जाएंगे तो आगे बहुत आसानी रहेगा, सो आर सस्पेंडेड मतलब 2 मास है सोन सस्पेंडेड फ्रॉम मास लेस, कहाँ नहीं है ऐसे बोलते हैं मास लेस पुली, ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन काउंट करना है, ठीक है, आप द सिस्टम व्हेन मासेस आर लेफ्ट फ्री, ठीक है, तो हम बना दे रहे हैं पुली भैया, इसे 2 मास सस्पेंड कर रहे हैं, एक ये मास जो है 5 kg का है, दूसरा मास क्या है 10 kg का लगाइए, ठीक है, आंसर आपको जी के रिस्पेक्ट में ही ज्यादा पूछता है, तो 2g/3, बी g/3, सी हजारों बार आप एक सब क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन आप लोग ये नहीं ध्यान देते हैं कि हम फिर दोबारा वो क्वेश्चन आएगा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये नहीं सीखते हैं आप लोग, बताइए कितना आंसर आया, G/3, जी भाई जी थ्री भाई, अब इसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना है रिपीट करके आपको, वो इधर कर का देना है, बस हो गया। ये बस हम ए निकालना है,
यानी कि यहाँ पे जी के रिस्पेक्ट में 10 जी माइनस फाइव माइनस है फाइव अपॉन जी आप 15। 5 + 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मास मोशन में है। तो हाँ यानी कि यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, 5 जी अपॉन 15, तो फिफ्टीन क्या होगा, थ्री जी बाई अपॉन जी तो बाई फाइव थ्री जी बाई थ्री। देखिए कितना आसान सा फार्मूला है। कुछ इसमें 3 5 फ्री बॉडी डायग्राम ये सब कुछ बनाने नहीं है, हम लोग बनाते नहीं थे ना सीखे थे, सही बता रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम और के चक्कर में बस अपना एक कॉन्सेप्ट था, बस आपको बना लेना है बस। इक्वल टू फोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन मास इन मोशन ना। फोर्स अच्छा रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, हाँ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। ऐसा फोर्स जो मोशन के रिस्पॉन्स उसी मास को हम उसमें मास में लेंगे जो मोशन में रहेगा बस, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना है, तो इसको करिएगा भाई। अब इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लिफ्ट वाला करेंगे इसमें, फिर और सा इसमें करेंगे, ठीक ठीक है है। ये इसमें नोट कर ही फ्री फ्रैक्शन लेते हैं। वाला करेंगे, ठीक है। इसका जितना भी आपको क्वेश्चन मिले वो कर लीजिए, पुली वगैरह का, पुली का कांटेक्ट फोर्स का बहुत सारा होगा, कोई भी अपने आप बना के कर सकते हैं। आप उस दिन भेजे भी थे इसी तरह का क्वेश्चन था, सारा करिएगा, ठीक ठीक है है। सर हाँ आज कर इसमें लेता हूँ। आ गया तो कुछ नहीं, देखिए इसमें जब हम लोग सिंपल से कॉन्सेप्ट, जैसे हम ब्लॉक जोड़ रहे हैं ना, बहुत सारे ब्लॉक, ठीक है, जब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए M1 है, तो ये फोर्स इसमें से पुश करेंगे तो फर्स्ट फोर्स खाएगा ना इसमें कुछ, हाँ और जो ये बचा रहेगा फोर्स जो इसके खाने से, तो इसको देगा तब ये पुश होगा। अब हम ये वाला निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये जो खाया हुआ है ये हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले वही सेपरेट आंसर, कर तो देंगे। इसको इसको तो हमें लेने की जरूरत नहीं है ना बस, ठीक है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं लेकिन तब ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी हमने बताया। बस आप एक कोई भी करिए जैसा जो दिमाग में रहे बस, समझ रहे हैं ना। ठीक है सर हाँ हाँ ये समझे। आसान सा है भाई, इसमें कुछ नहीं, देखिए एक एक लाइन में, यानी कि आप बिना पेन उठाए सारा क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। ये इतना है पुली उली वाला, बस फिक्स ठीक वाला भी कर सकते हैं, बस आपको दिमाग में बैठाना है कि कौन सा फोर्स, कहाँ मतलब लगा माइनस के, मतलब जो कोई ये पूरे हमारे सिस्टम को कौन सा फोर्स घुमा रहा है और कौन कौन पार्ट हिल रहा है, बस वही हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है बस। हाँ ठीक और इसमें कुछ नहीं करना, अभी यहीं तक करेंगे भाई, थक गए। ठीक है सर अब हमने शेड्यूल बना दिया, पूछिएगा ना वही करेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है सर नहीं पूछेंगे। अपने अनुसार बाकी पढ़ते रहिए। हाँ ठीक है सर वाकई तो पढ़ ही रहे हैं।